आज हम सीखेंगे कि आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी में आप एडजस्टमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में ट्रेंड हो रहा हो। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको एडजस्टमेंट्स कब करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी के बारे में और कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजी बिल्डर में क्रिएट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है और हम इसे तब डिप्लॉय करते हैं जब मार्केट में हम एक साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और अंडरलाइन एसेट की प्राइस आयरन कॉन्डोर द्वारा सेट करी गई रेंज से भी बाहर जा सकती है, तो जरूरत पड़ जाती है इस स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने की, ताकि या तो हम हमारा लॉस मिनिमाइज कर सकें या फिर प्रॉफिट थोड़ा बहुत बढ़ा सकें। परंतु याद रहे, एडजस्टमेंट करते वक्त आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपना रिस्क कम करना, यानी अपना लॉस कम करना। और जब भी आपको लगे कि पोजीशंस और एडजस्टमेंट्स आपके हाथ से बाहर जा रही हैं, सबसे बेहतर है कि अपने लॉस को बुक किया जाए और अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार किया जाए। अब मान लीजिए कि निफ्टी में हमने एक आयरन कॉन्डोर ट्रेड एस्टैब्लिश किया है, हमने कुछ एनालिसिस किया और हमें लगता है कि मार्केट इस एक्सपायरी तक साइडवेज ही रहना चाहिए, परंतु मार्केट नीचे गिरने लगता है और एक तरफा गिरता ही जाता है। तो चलिए इसके एडजस्टमेंट किस तरह से किए जाएंगे हम ये जानते हैं। एडजस्टमेंट्स को हमने यहाँ पर बहुत सिंपल रखा है, इसे हमने दो स्टेप में डिवाइड किया है। स्टेप नंबर वन है, मार्केट के मोमेंटम को एनालाइज करिए। निफ्टी में जो भी डाउनवर्ड्स मोमेंटम आया है इसे आपको एनालाइज करना है और इसका आयरन कॉन्डोर पर क्या असर पड़ रहा है उसे भी इवेल्युएट करना है। आइडियल सिनेरियो में एडजस्टमेंट कंसीडर करने से पहले एक सिग्निफिकेंट, एक बड़ा मोमेंटम आने देना चाहिए। आइडियली आपको तब एडजस्टमेंट करना चाहिए जब आपका कोई स्प्रेड अपने मैक्सिमम प्रॉफिट का अराउंड 70-80% आपको प्रॉफिट दे चुका हो। अब आता है स्टेप नंबर टू, प्रॉफिट मेकिंग कॉल स्प्रेड को एडजस्ट किया जाए। जैसा कि हम जानते ही हैं कि आयरन कॉन्डोर एक कॉल स्प्रेड और एक पुट स्प्रेड से मिलकर बनता है। जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा तो आपका पुट स्प्रेड लॉस दिखा रहा होगा और आपका कॉल स्प्रेड प्रॉफिट में होगा, तो आपको अपने प्रॉफिट वाले स्प्रेड को स्क्वायर ऑफ करके उसे नीचे खिसका लेना है। इसे कैसे करना है चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। निफ्टी अभी 18,200 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, हमने एक आयरन कॉन्डोर बनाया है और हमारी उम्मीद है कि मार्केट साइडवेज ही रहेगा। इसके लिए हमने 18,400 का कॉल और 18,000 का पुट सेल किया है, बेसिकली स्पॉट से 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक्स को सेल किया गया है। और इन सोल्ड लेग्स को हेज करने के लिए हमने 18,600 का कॉल और 17,800 का पुट बाय कर लिया है। आपका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब मान लीजिए कि निफ्टी 100 पॉइंट्स नीचे गिर जाता है, 18,200 से 18,100 पर आ जाता है और आपका पुट स्प्रेड यहां पर लॉस दिखा रहा है और आपका कॉल स्प्रेड प्रॉफिट में है। अब हमें क्या करना होगा, हमें 18,400 की स्ट्राइक वाला जो कॉल स्प्रेड है उसे क्लोज कर देना है और उसे 18,200 पर शिफ्ट कर देना है। अब सवाल आता है कि 18,200 ही क्यों, यहाँ हम अपनी स्ट्रैटेजी को डेल्टा न्यूट्रल रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसे अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो केवल इतनी सी बात है कि स्पॉट से आपके सोल्ड स्ट्राइक्स इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर डिस्टेंस पर होनी चाहिए। पहले जब निफ्टी 18,200 पर था तो ये 200-200 पॉइंट दूर थी, अब निफ्टी 18,100 पर है तो हम इसे 100-100 पॉइंट दूर रखना चाह रहे हैं, इसलिए 18,200 का कॉल सेल किया गया है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद निफ्टी अगले दिन 100 पॉइंट्स और नीचे गिर जाता है और 18,100 से 18,000 पर पहुंच जाता है। अब आप क्या करेंगे, मैं 5 सेकंड देता हूं, जरा गेस करके बताइए। जी हाँ, आपने एकदम सही गेस किया, फिर से हम हमारे प्रॉफिट देने वाले कॉल स्प्रेड को नीचे मूव करेंगे। अगर आपने ये सही गेस किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस आई गेस्ड इट राइट ये लिख के जरूर बताइएगा। तो अब हम 18,200 के कॉल स्प्रेड को क्लोज करके उसे 18,000 की स्ट्राइक पर ले आएंगे। अब ये जो हमने एडजस्टमेंट किया है ये होगा हमारा फाइनल एडजस्टमेंट। क्यों, क्योंकि अब आपकी आयरन कॉन्डोर आयरन बटरफ्लाई बन चुकी है, क्योंकि अब 18,000 का कॉल और 18,000 का ही पुट इस स्ट्रैटेजी में सोल्ड है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमने कॉल स्प्रेड को ही मूव क्यों किया, हम पुट स्प्रेड को भी तो नीचे मूव कर सकते थे।
अब ये हमने इसलिए किया क्योंकि इस तरीके से हमने ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट किया, और जब आप आयन कॉन्डोर से आयन फ्लाई में शिफ्ट होते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आ जाता है। जैसा कि आप दोनों ही पे ऑफ चार्ट में देख सकते हैं, आयन बटरफ्लाई में आयन कॉन्डोर से ज़्यादा प्रॉफिट होने का पोटेंशियल है। अब चूंकि इसमें रिस्क कम है और रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर मार्केट और नीचे भी जाती है या फिर से उठ के ऊपर जाने लगती है तो भी आपको बहुत कम नुकसान होगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं कहीं पर एक्सपायर हो जाती है तो आपको यहाँ पर अच्छा मुनाफा हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल टिप देता हूँ, अगर आपको लगता है कि मार्केट और नीचे जा सकती है तो आप एक एडिशनल कॉल सेल कर सकते हैं 18,000 स्ट्राइक का ही, जिसमें आपका डाउनसाइड रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा या फिर आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। इस केस में आपका पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब अगर मार्केट 2% नीचे गिरे या 5% नीचे गिरे, आपको कुछ ना कुछ मुनाफा जरूर होगा या फिर बहुत ही मिनिमम लॉस में आप ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इस एडजस्टमेंट को करने के लिए कितने कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी एडिशनल ट्रेड नहीं लिया है, सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को ही हम आगे से आगे शिफ्ट करते रहे हैं। तो सिर्फ आपको 50,000 रुपए चाहिए होंगे जो आयन कॉन्डोर ट्रेड को लेते वक्त आपके अकाउंट में थे। लेकिन अगर आप अंत में जो हमने कॉल स्प्रेड वाला एडिशनल एडजस्टमेंट बताया है वो भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंट में 30,000 रुपए एडिशनल चाहिए होंगे। तो कुल मिला के अगर आपके पास 80,000 से 1,00,000 रुपए हैं तो आप इन सभी एडजस्टमेंट्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो आयन कॉन्डोर से धीरे धीरे आयन बटरफ्लाई में पहुँचने की एक एडजस्टमेंट टेक्निक, और ये एक बहुत ही समझदार स्ट्रैटेजी हो सकती है एक ट्रेंडिंग मार्केट में। अगर मुझे इस वीडियो पर 2,000 लाइक मिलते हैं तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम वी शेप मार्केट में एडजस्टमेंट किस तरह से किए जाते हैं इस पर डिस्कशन करेंगे। और जैसा मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर एडजस्टमेंट्स या पोजीशंस आपके हाथ से निकलती हुई आपको दिखाई दें तो सबसे बढ़िया है कि अपना लॉस बुक करिए और अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको कोई सवाल है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, सेंसिबल के चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग वीडियो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सेंसिबल के हिंदी चैनल को करिए सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।